नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। यहां पर जो नई गवर्नमेंट की भर्ती निकल के आती है उसमें के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर आपको बताते रहता हूं, ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करना आसान हो जाए। यहां पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्म्स और कंडीशंस, पोस्ट कितनी आई है, वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, इस तरह के सभी पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बताते रहता हूं, और फिर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह आज भी हम एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं, और वो रिक्रूटमेंट है NHM पालघर रिक्रूटमेंट 2020। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम NHM पालघर रिक्रूटमेंट 2020 की बात करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, COVID-19 के प्रादुर्भाव को देखते हुए NHM पालघर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो जो पोस्ट नेम यहाँ पर दी गई है वो है फिजिशियन, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है MD मेडिसिन, और सैलरी आपको 75,000 रुपये प्लस परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया जाएगा, और टोटल वैकेंसी आपके यहाँ पर 24, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है वैकेंसीज में। सेकेंड पोस्ट है एनेस्थेटिस्ट, इनके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिग्री डिप्लोमा इन एनेस्थेशिया, डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए आपका इन एनेस्थेशिया, आपको भी यहाँ पर 75,000 रुपये प्लस परफॉर्मेंस पे स्केल दिया जाएगा, और आपके लिए यहाँ पर टोटल 21 वैकेंसी है। थर्ड पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर MBBS, इनके लिए यहाँ पर 60,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा, और यहाँ पर जो फोर्थ पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर BAMS, BUMS, BDS, इनके लिए यहाँ पर 28,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। तो आपको दोनों को मिला के यहाँ पर जो, यानी कि थर्ड पोस्ट और फोर्थ पोस्ट को मिला के जो वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है वो है 76। तो 76 वैकेंसी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए निकल के आई है। अब बात करते हैं टर्म्स और कंडीशंस की। तो नोटिफिकेशन में आपको टर्म्स और कंडीशन दी गई है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो यदि इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें 8 अक्टूबर 2020 से 23 अक्टूबर 2020 इसके पहले यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन कर उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक PDF फाइल बना लेना है, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, और उसे आपको इनके ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अप्लीकेशन करना है। तो उसमें आपके सभी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके एलिजिबिलिटी के सर्टिफिकेट, सभी सर्टिफिकेट वहाँ पर रहना चाहिए, और वो सब आपको इनके ईमेल एड्रेस पर सेंड कर देना है। तो यहाँ पर यदि आपने इसके पहले भी COVID-19 के पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आप इस पोस्ट के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो पे स्केल यहाँ पर आपको दिया जाएगा वही पे स्केल आपको यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पर इंटेंसिव नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भेजोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ईमेल एड्रेस पर, उसी पर से जो आपके मार्क्स रहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, उस पर से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी। साथ ही साथ आपके हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हुए और आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी। तो आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट और आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और वो जो आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी वो आपको www.zppalghar.gov.in इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी आपकी मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आपको जुड़े रहना है इस वेबसाइट से, तो आपको यहाँ पर सभी अपडेट्स और आपकी मेरिट लिस्ट दिखाई देंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है COVID-19 को देखते हुए, तो ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक महीने पहले नोटिस नहीं दी जाएंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि MBBS के कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो BAMS, BUMS, BDS इस तरह से क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा, तो वो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है यदि यहाँ पर MBBS के कैंडिडेट्स की संख्या कम रही। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले आप फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहिए, और आपके ऊपर कोई भी FIR केस यहाँ पर कोर्ट केस रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स जिन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें यहाँ पर उनकी कास्ट एप्लीकेशन फॉर्म में बोल्ड में लिखना है, और वहाँ पर उन्हें मेंशन करना है कि आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, तो तभी आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको आपके कैटेगरी का यहाँ पर नाम मेंशन करना है आपके एप्लीकेशन में,
तो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपके काउंसिल के सर्टिफिकेट रहेंगे, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के सर्टिफिकेट रहेंगे, उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर चालू रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी वैलिडिटी यदि ख़त्म हो जाती है तो आपको यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई नहीं करते आएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस पर ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, आपको इंटरव्यू के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तब वहाँ पर आपको आपका करंट मोबाइल नंबर डालना है जो यहाँ पर चालू रहेगा, वो मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आपको डाल देना है और वो बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए क्योंकि आपके इस रिक्रूटमेंट के दौरान वो आपको यूज़ करना है इसके लिए। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो करेक्ट रहना चाहिए। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उसकी आपको प्रिंट निकाल लेनी है और फिर उसे फिलअप करना है और उसे स्कैन करके इमेज बना के साथ ही साथ आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके डिग्री के सर्टिफिकेट, आपके एज लिमिट का सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट्स, आपके काउंसिल के सर्टिफिकेट, काउंसिल रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट, आपके अनुभव के सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर इनका इमेजेस बना के इन सभी फाइल्स का आपको एक पीडीएफ बनाना है। एक पीडीएफ में रहना चाहिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके, और उस पीडीएफ के ऊपर आपको खुद का नाम देना है और उसे आपको इनकी ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। तो जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर फिलअप करोगे उसे आपको इनकम्प्लीट फिलअप नहीं करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर लिया नहीं जाएगा, पूरी तरह से फिलअप करना है और फिर ही इनकी ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। और क्योंकि उसी पर से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगाई जाएंगी, इसके लिए वो पीडीएफ बहुत ही ज़रूरी है, उसे ध्यान से आपको इनके ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की इमेज स्कैन करी हुई आपको पीडीएफ बना के सेंड कर देना है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इमेजेस रहेंगी वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देनी चाहिए क्योंकि उसी पर से आपका रिजल्ट यहाँ पर लगाया जाएगा इसके लिए। और जैसे ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा आपके मार्क्स को देखने के बाद, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पर इस पोस्ट को ज्वाइन होना है। और जैसे ही आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद में आपको 10 दिन के अंदर यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है, नहीं तो आपके जो दूसरे कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका दे दिया जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको सब्जेक्ट लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, आपका पूरा नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है इस तरह से। इस ईमेल एड्रेस पर covid19palghar@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी प्रिंट निकाल के उसे फिलअप कर दीजिए। तो लास्ट में यहाँ पर बताया है कि यदि यहाँ पर वैकेंसीज खाली रहती है तो यहाँ पर हर मंगलवार को डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू होता है, यानी कि आपको खुद से जाना पड़ता है और वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होता है। यदि आप एलिजिबल रहते हो, पालघर में रहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वहाँ पर जा सकते हो हर मंगलवार, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहती है। तो इस तरह से तो आपको अप्लाई करना ही है, जो यहाँ पर पालघर के बाहर कैंडिडेट्स हैं उन्हें और पालघर के अंदर के भी, लेकिन जो पालघर में रहते हैं और उन्हें यहाँ पर जॉब चाहिए तो वो यहाँ पर मंगलवार को जा सकते हैं, वहाँ पर आपका इंटरव्यू दे सकते हो आप और उसके बाद में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर निकलना चालू ही है क्योंकि हॉस्पिटल्स में स्टाफ की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर वैकेंसीज निकलती जाती है, नई नई वैकेंसीज निकलती है, तो आपको यहाँ पर इन वैकेंसी से जुड़े रहना पड़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन हम आपको यहाँ पर बताते हैं, इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते हैं। लास्ट में इन्होंने बताया यहाँ पर कि पोस्ट में चेंजेस करना, वैकेंसीज में चेंजेस करने का अधिकार, वैकेंसीज को कम ज़्यादा करने का अधिकार, यहाँ पर सभी अधिकार ZP पालघर की तरफ रहने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हो, इसे आपको ज़रूर से नोटिफिकेशन में से डाउनलोड कर लेना है। और आपको लास्ट में वहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर आने हैं तो उसे भी ज़रूर से देख के आप फिलअप कर दीजिए फॉर्म को। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, आपके सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।